तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुपद के शून्य का ज्यामिति अर्थ। ये आलेख से संबंधित कुछ बातें होगी। इसमें आलेख के द्वारा देखेंगे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है, इस तीनों का कितना शून्यक होता है और किस तरह हम इसका शून्यक निकाल पाते हैं। ठीक है, इसको हमने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि इसको अच्छे से समझ लें तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और चूंकि एग्जाम में भी इससे एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसीलिए हमने इसको बाद में रखा है। ठीक है, बहुपद के शून्य का तो आपको पता है, बहुपद में जो हमें पढ़ना है रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, और थर्ड जो हमें पढ़ना है त्रिघात बहुपद। मुख्य रूप से यही तीन बहुपद हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में रैखिक बहुपद के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि रैखिक बहुपद कैसे का शून्य कितना होता है और कैसे हम इसका आलेख विधि से इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक बहुपद होता क्या है। रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद, ये तो पहले हम बता दिए बस रिकॉल कर रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात एक हो। कितना हो? चर का उच्चतम घात एक हो, वो रैखिक बहुपद होगा। px एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है और माना y इक्वल टू px। px क्या है? एक रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का फॉर्म आपको बताएं क्या होगा, x प्लस टू एक्स माइनस वन, टू एक्स, ठीक है, 3y, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद। अब देखिए यहाँ पे px लिखने का मतलब ये हो गया कि मतलब बहुपद में जो चर पद होगा वो y नहीं होगा, मतलब x के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, px। ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद है और y इक्वल टू px मान लिया। अब देखते हैं रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, जो आलेख होता है, चलिए इधर देखते हैं थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये y डैश लिख लिए और ये x डैश लिख लिए। तो रैखिक बहुपद का एक रफ हैंड अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है, ठीक है ना, तो किसी भी तरह एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो एक सीधी रेखा होगी, एक क्या होगी, सीधी रेखा होगी। अब दूसरा चीज कि जैसे मान लेते हैं कि रैखिक बहुपद है, ठीक है, जैसे ये मान लिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और मान लेते हैं ये इस तरह जा रहा है, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बिंदु को क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स नियामक। क्या कहलाएगा? एक्स नियामक। मतलब जैसे मान लेते हैं यहां पे वन है, टू है, तो ये सब वाई नियामक होगा, क्योंकि वाई पर जो वैल्यू है वो वाई नियामक होगा, और एक्स का जो मान होगा जैसे माइनस वन, माइनस टू, ये मान लेते हैं वन हो गया, ये टू हो गया, तो ये सब क्या हो गया, एक्स नियामक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नियामक, और यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक होगा। शून्यक क्या होता है, जो इसमें मतलब किसी भी बहुपद में, रैखिक बहुपद में एक्स का ऐसा वैल्यू डालें जो उसको क्या करे, जीरो कर दे, वही क्या होता है, शून्य। तो ये एक्स का वैल्यू ऐसा है, ठीक है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक्स का वही वैल्यू उस बहुपद को जीरो के इक्वल करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या समझेंगे, उदाहरण के द्वारा एक समझेंगे, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। चलिए देखते हैं,
उदाहरण के द्वारा समझते हैं, 2x प्लस 4 एक बहुपद है और इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है क्या करते हैं, माना y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब हम क्या जानते हैं, एक समीकरण से एक ही अचर चर पद का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहां क्या करते हैं, माना x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 गुना 0 प्लस 4, ये 4 आ गया। x इक्वल टू 1 मानते हैं, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया। x इक्वल टू माइनस 1 मानते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2। माना x इक्वल टू मानते हैं 2, तो y इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया, 0। तो हम क्या किए, x का 4 वैल्यू मान लिए और वहां से हमें y का 4 वैल्यू आ गया। अब हम इसको देखते, यह रैखिक बहुपद है, यहां पर देखिए x का उच्चतम घात क्या है, 1 है। अब हम इसका ग्राफ इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ग्राफ को हम लोग लिख लेते करते हैं, जो कार्तीय तल है उसको हम लोग देख लेते हैं, कार्तीय तल है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये क्या है x और ये क्या है y, ये x y डैश है, ये y डैश है और ये x डैश है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बॉक्स बना लें, बॉक्स बना लिए, तो अब क्या हो गया, ये x y, अब क्या है, x का वैल्यू 0 दिए तो y कितना आ गया, 4। चलिए x का वैल्यू 1 दिए तो y क्या आ गया, 6। x का वैल्यू -1 दिए तो y क्या आ गया, 2। x का वैल्यू -2 दिए तो y क्या आ गया, 0। ठीक है, अब यहां से जो निर्देशांक बनेगा, जो कोऑर्डिनेट बनता है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 4, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, यहां हो गया 0 और 4। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, 1 और 6, ये हो गया 0 4, ये हो गया 1 और 6, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या आ गया, 6, तो ये यहां पे इसके सामने क्या लिख दिए, 1 और 6। उसके बाद है -1 और 2, x का वैल्यू -1 और ये क्या हो जाएगा, 2, यहां पर क्या हो जाएगा, 2, मतलब -1 और 2। और उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा, -2 और 0, क्या बन जाएगा, -2 और 0, -2 और 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 और वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ किसका है, 2x प्लस 4 का, ग्राफ किसका है, 2x प्लस 4 का ये ग्राफ है, और ये देख रहे हैं x एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका क्या होगा, एक शून्यक, और शून्यक क्या होगा, शून्यक, शून्यक की संख्या की बात करें तो एक, और शून्यक क्या होगा, -2, चूंकि -2 जिस नियामक पर, ये -2 नियामक पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्य -2, मतलब -2 अगर इसमें बैठाते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है, जो कि यहां पर हम देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम, ठीक है ना, रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। एक लाइन और लिख लें,
रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा क्या होगा? एक होगा, ठीक है, ना तो एक से कम होगा ना एक से ज्यादा होगा। तो इस तरह हम देखें रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सीधी रेखा होती है और ये सीधी रेखा x के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और वही जो x नियामक होगा वही उस रैखिक बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ये एक समरी हो गया, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते कि रैखिक बहुपद का जो समीकरण हम आलेख खींचेंगे, समीकरण पहले देखें रैखिक बहुपद क्या होगा जिसका उच्चतम घात एक होगा, इसका जब हम आलेख खींचेंगे तो ये एक बिल्कुल सीधी रेखा होगी और जब ये सीधी रेखा एक्स अक्ष के किसी एक मान पे कट करेगी और वही मान जो एक्स नियामक कहलाता है वही जो है शून्यक होगा उस रैखिक बहुपद का, जो कि यहां पर देखें कि x का वो नियामक क्या था -2 और -2 ही एक शून्यक होगा रैखिक बहुपद का जो इसको इस पूरे बहुपद को क्या करेगा 0 के इक्वल कर देगा। तो उम्मीद है आपको रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।